हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों का साथ 18x26 मैप ड्राइंग के बारे में बताएंगे। इसमें आपको दो बेडरूम मिलेगा, एक बेडरूम है। इसमें किचन है, डाइनिंग है, ये टॉयलेट बाथरूम है, ये किचन के साथ अटैच वॉशरूम बना हुआ है। इस ड्राइंग को आप स्किप मत कीजिएगा ताकि इसको बारे में पूरी तरह समझे। मैं कोशिश की एक अच्छा ड्राइंग देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले एक नंबर में बेडरूम है, एक नंबर बेडरूम का माप है 10 फीट का। ये और इस साइड का भी माप सेम है, 10 फीट का है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का इस साइड का माप है 6 फीट 1 इंच का है और इस साइड का माप है 2 फीट 6 इंच ही है। और किचन इस साइड का माप है 6 फीट 1 इंच का है और इस साइड का माप है 7 फीट 1 इंच का है। ये डाइनिंग है, इस साइड में माप नाप रखा है 12 फीट का है और इस साइड का माप रखा है 7 फीट का है। ए टॉयलेट एवं बाथरूम है, इस साइड का माप है 4 फीट 1 इंच का है और इस साइड का माप है 4 फीट 8 इंच का है। और इस साइड का माप है 7 फीट और इस साइड का माप है 9 फीट का है। ये सेकेंड बेडरूम है, इसका माप है 9 फीट 8 इंच का है और इस साइड का माप है 6 फीट 8 इंच का है। ये इसका मेन गेट है और ये सीढ़ियाँ है साथ में चढ़ने का है। इसमें कलम भी रखना है, देखिए गाइस, इसमें एक कलम है, इसमें एक कलम है, इसमें एक कलम रखा हुआ है, इसमें भी रखा है, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी रखा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक रखा हुआ है, इसमें भी एक रखा हुआ है। देखिए टोटल कलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल इसमें 13 कलम रखा हुआ है। इस बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा 7 से लेकर 9 लाख का करीबन आएगा। इसका आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि उस समय का सामान का महंगाई का ऊपर भी डिपेंड करेगा। आप किस समय कौन सा महीना में बना रहे हो, उस समय क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से रेट आगे पीछे हो सकता है। मेरा मानना है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मकान बनाने का पहले से आप तैयारी कर सकते हैं, सामान सस्ता मिलने से आप खरीद कर सकते हैं, खरीद करके रख सकते हैं। जैसा कि ईटा, रेती, बजरी, सीमेंट रोड सरिया वगैरह आप दुकानदार से बात करके आज कल डेट में जो रेट है उस हिसाब से लेना है। लेकिन जब आप सामान मकान बनाना है उस समय में आपको सामान लेना है, उस समय देने ऐसे करके देने से आप ले सकते हैं। लेकिन जो दुकानदार होगा वो जान पहचान होना चाहिए, ऐसा ना हो वो पैसा मार दे। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।